तो संपूर्णता का लक्ष्य बाबा ने हमें दिया, माना ये जो चित्र हमारे पीछे है, शायद आगे भी है, नहीं आगे, लक्ष्मी नारायण। तो इस स्थिति से, ये जो स्थिति है ब्राह्मण पने से, फिर हम ऐसे बन जाएं, चाहे नारी शरीर में आत्मा है चाहे नर शरीर में आत्मा है, लेकिन कोई भी प्रकार की कमी न रह जाए। जो हमारा वास्तविक स्वरूप था, स्वभाव था, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं थी। किसी भी प्रकार से हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता था कि इसमें ये है और मेरे में नहीं है। तो वो जो हमारा ओरिजिनल रूप, उसमें 100% पवित्रता कितनी थी? संपूर्ण 100। कोई शाम के 6 बजे समय नहीं इंतजार करना पड़ता था कि 6 बजे हैं, मेडिटेशन करेंगे जिससे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएं। सतयुग में हम इंतजार करते थे शाम का, अमृत वेले का, सब कुछ भरा हुआ था। और सुख, सुख कैसा था? ये जो चेहरा है, इसमें जो बहुत डीप डीप जो होता है दुख, बड़ा जमा किया हुआ काफी समय से, वो दृष्टि में नजर आता है। और जो रोज की इनकन्वीनियंस चीजें होती हैं ना, जिसको कहते हैं ना बेआराम करने वाली परिस्थितियाँ रोज की, पानी समय पर नहीं आया, गर्म पानी बंद हो गया, बरसात हो गई, कुछ बस लेट हो गई, तो ये सब यहाँ नजर आती हैं। मुस्कुराहट कम हो जाती है, बहुत डीप दुख यहाँ से आता है, और थोड़ी 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 जो डिससेटिस्फेक्शन होती है वो चेहरे की रेखाओं से नजर आती है। और लक्ष्मी नारायण का हमारा स्वरूप ओरिजिनल बिल्कुल सब, जब कोई जमा ही नहीं है दुख, पास्ट तो है ही नहीं और प्रेजेंट में भी कोई इनकन्वीनियंट नहीं है, प्रकृति बहुत सुखदायी है। तो वो व्यक्तित्व बाबा अभी चाहते हैं, और कुछ भगवान नहीं चाहता। तो ये एक छोटी सी पेंटिंग की बात है, ये बच्चे ब्रश है, बच्चे ये रंग है, ज्ञान का रंग और ज्ञान का ब्रश, इससे ये बस चेहरा और अपना ये जीवन ऐसा बना लो। और कितने समय के लिए पेंटिंग? वो वाली पेंटिंग तो थोड़ी फीकी भी पड़ जाती है, उसके कलर भी उड़ जाते, लेकिन ये जब तक अभी जीवन है, जब तक अभी है, अभी तो कितना रह गया, सबको दिखाई पड़ रहा है, बस उसमें ये आपका स्वरूप स्थिर हो जाए, जिससे कि सब में आप में बाप दिखाई दे। सब में मना सब बच्चों में, आप में बाप दिखाई दे, नहीं तो हम में क्या दिखाई देता है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, आंध्रा, इटालियन, अमेरिकन, तो शुरू शुरू में जब बाबा का ज्ञान मिला, ये समझ में आई कि हमारा ये कोई भी जो शारीरिक विविधता बना के रखी है, सेक्शन में बांट के रखा हुआ है, जाति धर्म भाषा और राज्य के, ये है ही नहीं। तो उस समय शुरू में एकदम रियलाइजेशन जब होता है ना, डीप पुरानी ज्ञान खत्म हो जाती, तो कोई भी अगर देख करके
ऐसे देख करके खड़ा करके, ब्राह्मण परिवार की बात चल रही है, जब ऐसे बोलता था, अच्छा आप पंजाबी हो, अच्छा आप गुजराती हो, तो दो तीन दिन तो रोते बीत जाते थे कि मामा मैं अभी तक भी आत्मा नहीं बनी क्या। बहुत शुरू की बात है, अभी एक साल ही हुआ था ज्ञान, लेकिन लगा था कि मुझे 365 दिन हो गए ये समझे हुए कि मैं आत्मा हूँ, तो इनको अभी भी शरीर दिखाई दे रहा है, तो बाबा मैंने किया क्या, इनको पंजाबी दिखाई दे रहा है, इनको गुजराती दिखाई दे रहा है। तो कॉन्शियस स्टेज में मेरी अपनी जो रूप है, बिंदु लाइट, जितना जितना मैं खुद को यहाँ पर स्थिर करके बिठा देती हूँ, तो दूसरे की भी दृष्टि जो है वो बदल जाती है। तो हम में से कभी भी कोई ये नहीं कह सकता, ईश्वरीय विद्यार्थी, कि ये उनके कारण मैं देह अभिमान में आ जाती हूँ, वो ऐसा मुझे समझते हैं, क्योंकि बाबा ने रिमोट हाथ में दिया है उनके भी संकल्पों को रोकने का। तो संपूर्णता की ये एक निशानी है कि आप एक रस स्थिति में, एक बाबा की याद में जब स्थिर होते हैं, तो वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन वो दूसरे को भी एकाग्र कर देती, उसको भी, उसके भी देवान के संकल्पों को रोक देती है। और ये चेक करना, इसको ही कहते हैं संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ, कि 2 साल पहले क्या था मेरे साथ, 4 साल पहले क्या था, अभी क्या है। सब पुराने ही बैठे हैं ना, है ना, कम 2 साल से नया तो कोई नहीं है, कोई 1 साल वाले भी हैं, है ना, ऑनलाइन सुन करके आ गए होंगे, जो भी हो, तो ये समझते हैं कि ये चेकिंग, पहले जब कोई मुझे देखता था तो एड्रेस करेगा मैडम या कुछ ऐसे करके, अब उनको मैडम दिखाई देती है या आत्मा दिखाई देती है। जैसे बता रही थी इंदिरा बहन जी कि रशियन से इनको बचपन से प्यार था, सवाल ही नहीं पैदा होता रशियन से प्यार करने का, क्योंकि पता ही नहीं थी रशियन और रशिया क्या होता है, कोई प्यार नहीं था। और वो तो ड्रामा में कुछ इस प्रकार के दृश्य हुए, जो बाबा को कुछ कराना था, तो जैसे कि नदी के बहाव में बहते हो जाता है ना, खिलौना या कठपुतली, वो नाच रहे थे। तो ये जो हमारी स्थिति है, जब मैं वहाँ पर पढ़ने जाती थी, उस समय तक समझ में आ गया था कि हाँ भगवान हमको इतना पवित्र देखना चाहता है। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे बैठता था तो गुड इवनिंग मैडम बोलता था, तो जब उसने गुड इवनिंग मैडम बोला, फिर मैं रोई रात को, ये क्या हो गया, मैं कोई मैडम हूँ क्या, मैं तो बहन हूँ, सिस्टर बोले, बहन बोले। तो फिर मुझे आया कि अब मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर बहन दिखानी है इसको, कुछ तो होगा मैडम वाला जो इसने देखा, तो वो कैसे हम दूर करें। तो पहले कैच करना दूसरों के देह अभिमान को, फिर उनका देह अभिमान मुझे कैसे डाइल्यूट करना है, अपने प्रति उनकी दृष्टि कैसे बदलनी है। तो संपूर्णता का पुरुषार्थ ये होता है, जिसमें कारण खत्म हो जाता है, वो अज्ञानी है इसलिए वो ऐसे देख रहा है।
वो समझते नहीं है ना ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान, भले ना समझे लेकिन मुझे मालूम है कि इनकी आत्मा कहाँ है और इनकी बुद्धि कहाँ है, उसको कैसे एकाग्र करना है सिर्फ यहाँ पर। दूसरी बात, एक तो ये निशानी कि हम इतना एकाग्र हों, एक संकल्प में हों कि उसका प्रभाव बाहर भी पड़े, संपूर्णता बाहर की परिस्थितियों पर प्रभावित नहीं होती, आधारित नहीं होती, अपने हाथ में होती है। इसी कारण से हमारे मुख पर कोई भी रीजन, कारण नहीं हो सकता कि मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, धन की स्थिति मेरी ऐसी है, स्वास्थ्य ऐसा है, तो मेरा इस दुनिया से जो नाता है वो श्रेष्ठ कर्मों के आधार से। अभी कोई भी पुराने संबंध के टाइटल के आधार पर नहीं है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, ये बात की समझ है, लेकिन उनके साथ मेरा रिलेशनशिप वो है श्रेष्ठ कर्मों की विधि के आधार पर। किस आत्मा के साथ क्या कर्म करना होता है, बोलना कैसे होता है, देखना कैसे होता है, किसी की सेवा कैसे करनी होती है, तो ना ही पुराने खाते के आधार पर मेरी दृष्टि, ना ही आगे के खाते बनाने की विधि। पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है, मुझे जो भगवान ने सिखाया उस विधि प्रमाण। क्या सिखाया उसने, कैसी भावना होनी चाहिए सबके प्रति, शुभ भावना, शुभ कामना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, संपूर्ण, ये संपूर्ण स्थिति है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि कोई भी हमें अपना या पराया, अपना मना अधिकार और पराया मन और दूरी, पोलराइजेशन नहीं होता है, या तो लोग हमसे बहुत दूर हैं या लोग हमारे बहुत फैमिलियरिटी में हैं, ये दोनों नहीं होगा। अगर बाबा सामने हमारे आए हों, कोई बैठ करके गए, बस बाबा तो मेरा है, बाबा को पकड़ने लग जाए बाबा, तो ऐसा कोई कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आपको प्यार है बाबा के साथ, लेकिन बाबा का स्वरूप कैसा दिखाई देता, बाबा सबका है। ऐसा लगता है अब दादी कितने सालों से बाबा के साथ, लेकिन दादी जी बैठे हों और आप सामने देख रहे हैं, तो आप क्या ये सोचते थे कि ये तो इतने साल से दादी बाबा के साथ है, बाबा दादी का है, सोचते थे? सागर, सागर में से कोई 60 साल से बाल्टी भर रहा है, फिर आप पहली बार गए तो फिर आप कहेंगे थोड़ा कम हो गया था सागर का पानी? किसी ने ऐसा पाया बाबा को जो 2 साल से ज्ञान में आए, 5 साल से आए, कि जो 50 साल से बाबा से प्यार लूट रहे थे उन्होंने बाबा को खाली कर दिया, बाबा बोर हो गया बच्चों से। फीलिंग आई? आप जैसे ही आए आपको लगा बाबा आपका इंतजार कर रहा था। ऐसे बाबा की दृष्टि मिली, प्यार मिला कि बच्ची कहाँ थी तुम, है कि यस नो सभी
वो महसूस था बाबा के कमरे से आई, बाबा के चित्र से आई, बाबा के मिलने से आई कि तुम मेरे हो। तो इसलिए ये दूसरा कि कोई भी कारण नहीं है जो हम ये कहें कि ये अपने हैं ये पराए हैं। सागर पर कोई अभी भले ही लोगों ने पॉलिटिकल मैप में, जियोग्राफिकल मैप में इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन नाम दे दिए हैं, लेकिन ओशन कितने हैं? ओशन कितने हैं? एक है। ऐसे कहेंगे रशिया का बाबा, हिसार का बाबा, भटिंडा का बाबा, ठीक है। आप बाबा का बना लो कमरा अपने पास, आपका बाबा हो गया। इसीलिए कभी कभी लोग जब ऊंचाई की बात करते हैं तो उसको इस प्रकार से बताते कि कितनी अच्छी बात है कि जो सूरज है इस यूनिवर्स में सबसे ऊंचा, पहुंच से बाहर सूरज ही तो है ना जो हमारे कनेक्शन में, कि अच्छी बात है कि सूरज इतना ऊंचा है कि कोई देश जाके अपना वहाँ झंडा नहीं गाड़ सकता। चांद पे तो गाड़ा है, हिमालय पे भी गाड़ा है, लेकिन सूरज पर नहीं गाड़। तो ये संपूर्णता का, संपूर्ण आत्मा विश्व की हो जाती है, जिसको बाबा कहते जगत माता, जगत पिता, जगत सेवाधारी, विश्व सेवाधारी। तो क्योंकि बाबा हमेशा से ही विश्व सेवाधारी है, तो उसको बच्चे भी कैसे चाहिए? हिसार के, हरियाणा के, सिरसा के, मैं देखना चाहती थी आवाज आएगी कि नहीं आएगी। तो सर्व विश्व स्वतः ही उनके प्रति ये अनुभव करता है कि ये हमारे हैं, हमारे हैं। तो भले ही हम सिरसा में रहते हैं लेकिन हम सबके हैं और सब हमारे हैं। तो ये दूसरी निशानी। तो इस समय के दृश्य जो भी हमने देखे विश्व में, चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम के रूप में आए, या फिर कोई ना कोई प्रकार की राजनीतिक दांव पेच के रूप में आए, लेकिन बाबा के बच्चे जहाँ भी थे उन्होंने कभी अपना पराया देखे बिना अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो समय अभी इस संपूर्णता को प्रत्यक्ष करने के लिए आएगा, और अगर हमने ये पुरुषार्थ नहीं किया और समय आ गया जिसको बाबा कहते थे बच्चे पर्दा खोलो, कहते थे ना बाबा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पर्दा खोला और कोई अभी कंघी कर रहा था, बाल बना रहा था, कोई अभी कुर्ता पजामा ठीक कर रहा था, कोई मेकअप ठीक कर रहा था, और लोग तो देवियां देखने के लिए तैयार थे, और ये देवी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। तो सबने ये देखा कि सिर झुक गए, ढूंढ रहे हैं कौन है फरिश्ते, कौन है देवता, कौन हमें मदद करेगा, और मदद करने वाले कहाँ हैं? वो सबने अपना अपना देखा, सबका अपना रिजल्ट था।
क्लास हमारी भले एक है लेकिन पुरुषार्थ अपना अपना, इसलिए रिजल्ट भी अपने अपने हुई। तो लास्ट कॉल ऑफ टाइम मतलब और कितना हम दुखी करेंगे सबको, देखेंगे। अब तो समय है सब कुछ भरने का, तो अब हमें क्या भरना है जो ये संपूर्ण स्थिति प्रत्यक्ष हो जाए। भर तो रहे हैं लेकिन उसमें क्या मार्जिन है वो चेक करना है। तो नंबर वन चीज आती है हमारी श्रेष्ठ कर्मों का खाता, क्योंकि मुसीबत आई, इसके ऊपर वार हो गया, इसके ऊपर वार नहीं हुआ लेकिन ये थोड़ा सा परेशान हुआ, और इसके ऊपर तो बिल्कुल वार नहीं हुआ, इसके सामने से जो मुसीबत थी वो पानी की तरह से चली गई और ये मक्खन से बाल की तरह निकल आए, ये तीन क्यों हुए? श्रेष्ठ कर्मों का खाता। तो संपूर्ण आत्मा, संपूर्णता माना, अभी की हमारी स्टेज में संपूर्णता माना, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म का चार्ट 24 घंटे में, व्यर्थ साधारण पाप की तो बात ही नहीं है। अगर अभी तक भी पाप कर्म होता है तो समझो कि कोई भी समय वाया, माया और समस्या वार कर सकती है, क्योंकि एक पाप संगम पर हम ब्राह्मणों को एक का 100 गुना नुकसान कराता है, जितना भी जमा किया होता है। तो पाप अभी काम क्रोध लोभ मोह तो इतने बड़े बड़े शत्रु हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा कोई है जिससे पूछना पड़ेगा, काम विकार का चार्ट पूछना पड़ेगा? ये हमारे लिए क्या? ये तो कोई नया स्टूडेंट आता है 10 दिन 15 दिन, बाबा का बच्चा बना, मेरा बाबा कहाँ, पवित्र आत्मा, पुरुष स्त्री नहीं है, शुद्ध आत्मा। तो काम विकार के वश, क्रोध विकार के वश, चाहे थोड़ा सा इरिटेशन के वश भी, अगर हमने किसी आत्मा को दुख दिया और उस आत्मा ने फिर भगवान से अपना नाता तोड़ा, योग टूटा, सेवा छूटी, हमारे व्यवहार से उन्होंने डिसाइड किया मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूँ, होता है ना ऐसा बहुत, आजकल तो क्या क्या नहीं दुख के मारे लोग कर लेते, अगर वो मेरे कारण से हुआ ये पाप कहा जाता है। तो वो चैट तो अभी नहीं पूछेंगे ना, ये तो हम बिल्कुल बाबा हम आपके शुद्ध पवित्र बच्चे हैं। बाकी व्यर्थ कर्म, इधर बैठे उधर बैठे, स्क्रीन, खिलौना है सबके पास, खिलौना हाँ दिखाइए, खिलौना कहाँ है सबका, है आपके पास? हमारे पास तो है ही नहीं, साथ में ही उसको रखते ही नहीं। फिक्स टाइम है, दिन में 3 बार बस उठाना है उसको, सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे, फिर 2:30 बजे, दिन में बस 3 बार। देखा किसका क्या है, फिनिश। नहीं तो ये खिलौना कितना नुकसान करा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज जो यहां से अंदर जाएगी समाचार के रूप में, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए संपूर्ण बनने के लिए कलयुगी दुनिया का समाचार मुझे चाहिए? हाँ वो पीछे वाले कह रहे हैं चाहिए, नहीं तो आपने कहा तो नहीं कि नहीं चाहिए, तो मतलब चाहिए। और ना
सिर्फ मुझे नहीं चाहिए लेकिन हमारे पास जो भी आए उसको फौरन 100 को आगे कर देना, उनको भी वही चीज दिखाना कि वो भी वो सब सोचते रहें। तो ये होता है एक एक सेकंड का निर्णय। मीठे बाबा, किसी भी हालत में मैं किसी भी आत्मा को ये सारे समाचार, चाहे वो एंटरटेन की कोई कार्टून हो, ये किसी को ना भेजूंगी और ना खुद उसको देखूंगी। दैट्स इट। और अगर कोई भेजता है फौरन उस व्यक्ति का नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी, डिलीट, क्योंकि मैं विजय माला की आत्मा हूँ, संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। मम्मा बाबा ने ये सब समाचार नहीं देखे सुने, वो संपूर्ण बन गए। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। अष्टरत्न बिना इस इन्फॉर्मेशन के अष्टरत्न बन गए। बाकी बच्चे खुचे टाइम में मैं ये क्या किचड़ा इकट्ठे करते रहो, इसको गार्बेज बॉक्स बनाओ। अगर यहाँ से बाबा का साक्षात्कार कराना है तो ये कलयुगी किचड़े की स्क्रीन यहाँ से देखते हुए बाबा दिखाई देगा तो कौन दिखाई देगा? तो ये श्रेष्ठ कर्म, सिर्फ उसका अकाउंट खुला हो, बाकी सब अकाउंट में डिपॉजिट करना बंद। कई होते ना, वहाँ भी डिपॉजिट करते हैं, वहाँ भी डिपॉजिट करते हैं, वहाँ भी डिपॉजिट करते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का खाता, तो आंखों से भी तो कर्म करते हैं ना, तो ये कर्म श्रेष्ठ है क्या? व्यर्थ है, साधारण है। मैं करूंगा सब करेंगे, मुझे किसी के ऊपर में आधार नहीं रहना है, ना ही किसी को मुझे फोर्स करना है। मैं नहीं करूंगा, क्यों? फिर आगे खाता आता है, दूसरा खाता आता है श्रेष्ठ संबंधों का खाता। क्योंकि जितना मैं ये करूंगा उतना मेरा संपर्क अति साधारण आत्माओं से रहेगा, क्योंकि वही लगी है इन कामों में। ठीक है, मुरली पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है। मुरली पॉइंट्स पढ़ो, भेजो, मम्मा बाबा का चित्र देखते हो, लेकिन उसके साथ जो पूंछ लगी होती है 10 चीज़ों की, उसको कंट्रोल करना है। इसलिए मम्मा बाबा यहाँ छप गए, कितना देखेंगे चित्रों को, छप गए काफ़ी। क्योंकि ये जो कर्म है, सब समाचार दुनिया के जो भी हो रहा है, किसी ने छींक मारी उसका भी समाचार, किसी का बच्चा मरा उसका समाचार, किसी का पैदा हुआ उसका समाचार, ये सब किचड़ा कौन इकट्ठा कर रहा है? शूद्र की भी लास्ट स्टेज वाली आत्माएं, शूद्र क्या करते हैं? बाबा ने क्या बोला? दूसरों की फेंकी हुई चीजों को इकट्ठा करते और फिर परोसते भी हैं। आप भी देखो, तो द्वापर युग से ही ऐसी आत्माएं आना शुरू हुई और अभी तो पूरा परमधाम से प्याला उमड़ चुका है सारा। बची खुची सब आत्माएं, शूद्र वाली की भी अंतिम स्टेज वाली आत्माएं, आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या इकट्ठा करेंगे, कितना गंध इकट्ठा करेंगे, और वो गंध हमको इसके द्वारा परोस करके, तो वास्तव में देवी देवता धर्म की आत्माओं के पास तो ये खिलौना जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे हमने देखा 1.5 साल में जितना हम कनेक्टेड रहे इसके कारण, जितना हम एक दूसरे की सेवा कर पाए, ज्ञान मुरली सुन पाए सब, लेकिन हमें अब इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बस हम वहाँ तक ही रहें।
ये जैसे इतना बड़ा नर्क का जोन है, उस नर्क के जोन में एक छोटी सी गोल्डन लाइन पर हम चलते रहें, गोल्डन पटरी पर चलते रहें इस खिलौने को हाथ में रख के, क्योंकि जा तो ये नर्क से रही है पटरी। है हिम्मत तो हम इसको उठाएं, नहीं तो दोनों खाते हमारे गए। पता नहीं कैसे ऐसे लोगों से संबंध जुट जाएगा जिनका सतयुग त्रेता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये हमको, ये समय अभी कह रहा है देख लो आपका संबंध, अभी मैं चेक करूं मेरा संबंध किससे है, कोई याद है नहीं, है ही नहीं कोई किसी प्रकार के किसी शूद्र से, 1% कोई वैश्य भक्त होते हैं ना, भगवान तू ये करेगा तो हम ये करेंगे, वो कैटेगरी में नहीं, सिर्फ ब्राह्मण परिवार। और ब्राह्मण परिवार में से भी कौन जो विश्व की सेवा कर रहे हैं, कभी भी कहां भी होते हैं सीधा बस वहां कहां जाना है, वो जहां पर कार्य है वो सीधा काम फिनिश, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, तो संबंध जुटेंगे कहां से एक्स्ट्रा। और अगर किसी अपने ब्राह्मण परिवार में से किससे मिलना है तो आत्मा, तो आत्मा को जो हमारे से कार्य होगा वो कौन सा कार्य होगा, स्व उन्नति का कार्य होगा। स्व उन्नति के कार्य की बात 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती, घंटे चाय की टेबल पर बैठ करके जो बात होती है वो स्व उन्नति की बात नहीं होती। रशियन में भी चाय को चाय कहते हैं। तो कई बार क्लास के बाद वहां पर डाइनिंग रूम बना हुआ है पीटर्सबर्ग में भाई बहनों के लिए, तो मुरली के बाद तो मुरली बाबा कहते हैं रिवाइज करो, तो कुछ कुछ ऐसी आत्माएं मान लीजिए देखा जाता है वो बैठी हैं। अभी मैं गई बैठी हैं, 40 मिनट के बाद गई बैठी हैं, कप तो मैं सोचती हूँ इनके कप में कोई अंदर से फवारा लगा है क्या जो खत्म ही नहीं होता 40 मिनट से। नाम तो था चाय, तो रशियन भाषा में भी चाय को चाय बोलते हैं, तो जैसे कहते हैं ना बस चाय पी रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा मेरी चाय तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, आपके कप में क्या लगा है, तो चाय को रशियन में बोलते हैं चाय को। तो हमने कहा ये चाय को में चाकू ही ना लग जाए हमारी तकदीर के ऊपर में, कि उस 40 मिनट में आपने उस आत्मा की सारी जो बातें हैं, तुम्हारा कौन बीमार है, तुम्हारी सांस बीमार है, तुम्हारा कुत्ता बीमार है, तुम्हारी बिल्ली बीमार है, क्योंकि संबंधी उनका होगा एक, कुत्ता बिल्ली होंगे 4, तुमने उसको क्या खिलाया, अच्छा तुम जब से ब्राह्मण बनी हो तो उसको ब्रह्मा भोजन ही खिलाती हो या दूसरा भी खिलाती हो, ये सारी बातें क्या है। तो ये जब हम समझ जाते हैं कि संबंध ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास समय है, तो वो साधारण आत्माएं हैं, विशेष आत्माओं के पास समय होता ही नहीं, और समय जिसके पास है वो उन विशेष आत्माओं को कटाक्ष इस रूप से करती हैं इनके पास तो समय ही नहीं है, तभी तो विशेष है। क्योंकि जिसने समय परमात्मा को सुपुर्द कर दिया है, छोटा मोटा बॉस ही इतना बिजी रखता है वर्कर्स को, तो ये तो बॉस का भी बॉस है, ये तो हमारा पकड़ के बैठा हुआ है, 1 सेकंड भी चैन नहीं लेने देता, बैठे थोड़ी सी देर इधर से एक आत्मा आ गई, और क्या ही इस बॉस ने हमें काम दिया, जो भी आत्मा आए सबको आत्मिक दृष्टि से देकर बाबा का साक्षात्कार कराओ। अब हम ऐसे रास्ते से तो जाते नहीं जहाँ कोई लोग ही ना हो,
तो रास्तों को क्या देखें, क्योंकि भगवान के चैतन्य बच्चे चलते जा रहे हैं मेरे सामने। तो देख पाएंगे नजारे, देख पाएंगे नजारे नहीं देख पाएंगे तो टूरिस्ट ही नहीं बनेंगे कभी। तो टूरिस्ट कल्चर, उपभोक्ता वाला कल्चर, ये देखो वो देखो, ये करो ये फोटो, इतनी सारी फोटो फिर फॉरवर्ड करो। हम तीर्थ यात्री हैं, टूरिस्ट नहीं है। तीर्थ यात्री जहाँ बैठे वहाँ परमात्मा को इमर्ज करके, याद करके तीर्थ बना दिया। गंध नहीं फैलाते, टूरिस्ट गंध फैला के जाते हैं, भोग भोग के सब, उधर पेप्सी कोला फेंका, उधर चॉकलेट के पेपर फेंके, उधर ही जहाँ। तो ऐसे ही मेरे, जब मैं आई तो भी इस वाइब्रेशन से आई, मैं गई तो कोई चॉकलेट के पेपर, कोई ऐसे, कोई कुछ नहीं फेंक गई, मतलब इधर उधर का सब। गॉट इट? ये मुझे चेक करना। तो हमारा तब संबंध ऐसी आत्माओं से होगा जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, साधारण नहीं है। जैसे बोला ना, जिसके पास समय है तो मतलब वो तो कुछ एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है जीवन का, तभी तो समय व्यर्थ करने के लिए। फिर संबंधों में भी जिन्होंने परमात्मा को अपना सब कुछ बना लिया है, जिनका पिता, शिक्षक, गुरु, साजन, सखा सब एक है, वो है श्रेष्ठतम संबंध। क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च है, उचित ऊंचा है, तो जिसका बाप उचित ऊंचा हो उसके साथ अगर मेरा संबंध होगा, तो जिसका साजन ऊंचे से ऊंचा हो वही विशेष आत्माएं होंगी ना। वर्ल्ड ड्रामा में हर धर्म में धर्म संस्थापक पहले स्थान पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से माना जाता है। और यहाँ तो सब धर्म स्थापक हैं, लेकिन इन धर्म स्थापकों में भी अलग अलग डिग्री है। तो मेरा उठना बैठना जीवन उन्हीं के साथ हो जो संपूर्ण रीति से बाबा के को समर्पित हैं, तो मेरा ये खाता जमा होता जाएगा, ये इंटरेस्ट हो। क्योंकि ऐसी आत्माएं आप कभी नीचे भी होंगी ना, आपको ऊपर ले जाएंगी। साधारण आत्माएं आप अच्छी स्टेज में भी होंगी, आपको नीचे ले आएंगी। तो क्या समय है अभी हमें नीचे ऊपर जाने का? है क्या? सिर्फ ऊपर। तीसरा फिर खाता इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, वो है शक्तियों का खाता, श्रेष्ठ शक्तियों का खाता। क्योंकि एक है समझ और दूसरी है शक्ति। समझ है कि सब आत्माओं को पवित्र बनना है, और दूसरी है शक्ति कि मेरे संपर्क से इस आत्मा को, इस अपवित्रता को छोड़ने की प्रेरणा मिली। मेरे संपर्क से समझ है कि दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, लेकिन मेरे संपर्क से इस आत्मा को हमेशा इस कांटे को निकालने की प्रेरणा मिली। तो ये है शक्ति जो परिवर्तन करे। समझ लाइट है और शक्ति माइट है, परिवर्तन का आधार है,
परिवर्तनकारी शक्ति। तो श्रेष्ठ शक्तियों का खाता अर्थात जिन चीजों को बाबा ने छोड़ने के लिए कहा है वो गई तो फिर जीवन में वापस मुड़ के नहीं आई, तो वो परिवर्तन की शक्ति जमा हो गई। तो जब आपने उसको संपूर्ण रीति से छोड़ दिया तो तब आप वो परिवर्तन दूसरों में भी करा सकते हैं। अगर आप मात्र जानते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उससे आप दूसरे को परिवर्तन कराने में इतना सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वो चीज़ आप में है ही नहीं, तो शॉर्ट में इनको 8 शक्तियों का नाम दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये सब अम्ब्रेला टाइटल जो है वो परिवर्तन के शक्ति के अंदर आते हैं। सभी ये शक्तियाँ, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब परिवर्तन। और परिवर्तन की शक्ति जमा होती है स्वचिंतन से, स्वदर्शन से। बहुत काल से जिसने मुख नहीं खोला कि ये इसके कारण हुआ, बहुत काल से, तो उसने परिवर्तन शक्ति जमा की। समझा? अगर इस व्यक्ति ने गलत किया, उसके कारण सबने मेरा नाम लिया क्योंकि मैं सीट पर हूं, अगर मैं कहूंगी ये तो इनके कारण, ये तो हैंड्स हैं, जब भी हैंड्स कोई गलत काम करते तो पकड़ा किसको जाता, फांसी किसको लगती, हैंड को, हेड को। कितना पैराडॉक्स है, अगर हेड कहे मैंने तो नहीं किया, इसको फांसी लगाओ। मालूम है एक अच्छा चुटकला, हमारा ज्ञान वाला चुटकला है, मालूम है आपको ये? जब हमारे विद्यालय में कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई विंग्स की, तो उसमें से एक विंग जूरिस्ट विंग भी है, तो शुरू शुरू में जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमेशा ज्ञान को एक सांस्कृतिक रीति से भी दिखाने के लिए कुछ ड्रामा किया जाता है। तो उसमें पहली कॉन्फ्रेंस थी, तो भाई बहनों ने, जूरिस्ट विंग के जो भाई बहन थे उन्होंने एक छोटी सी स्किट तैयार की, जज और चोर। चोर भी आत्मा को जानता था, उसने भी कोर्स किया हुआ था, लेकिन पता नहीं वो क्यों चोर बन गया, ये नहीं समझाया। लेकिन कहानी ऐसी थी कि चोर जज को अपनी एक्सप्लेनेशन देता है कि जज साहब, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, हाथ ने चोरी की, इसको आप, मैंने चोरी नहीं की, मैं और मेरा का अंतर बताया जाता है ना उसमें। तो जज भी आत्मा का ज्ञान सुना हुआ था, 7 दिन का कोर्स किया हुआ था, तो कहते ठीक है हाथ छोड़ के चले जाओ। समझदार था ना, मतलब ठीक है आप आत्मा हो तो हम जब शरीर में हैं तो जो भी हाथ ने किया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, आपने कुछ गलत टर्न लिया, आप कहते हो ये मैं ना चाहता नहीं था हो गया, या मैं जानता नहीं था कि टर्न ऐसे नहीं लेना, तो इसको कहा जाता है किसी कानून के प्रति अज्ञानता। किसी कानून के विषय में अज्ञानता भी क्राइम है, छोटा सा क्राइम है, ऑफेंस है। तो इसने किया माना तुमने किया क्योंकि तुम्हारे साथ है, तो उस समय लगता है
कि सारी जिंदगी में इनके किए हुए कर्मों का ये जो भी मेरे साथ हैं सहयोगी हैं ये सब ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर बदनामी मेरी होती है, ये भी संपूर्ण आत्मा की भाषा नहीं है। बाबा जब आए इस धरती पर ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर माना वाइजेस्ट ऑफ वाइज, समझदारों का सरदार, उसको मिले तो कैसे बच्चे मिले, बुद्धू। आप में से कोई इंटेलिजेंट आया था बाबा के पास? हम तो महाबुद्धू थे। और हमने क्या क्या नहीं किया, अपने ज्ञान के शुरू के समय में हमने बाबा के ज्ञान को भी ठीक नहीं जल्दी से समझा। जब हमने ज्ञान की सेवा शुरू की परिवारों में, जो तो भी हमने कोई ऐसी इमेज बाबा की नहीं बनाई, लेकिन बाबा ने कभी भी एक क्या मिल गए मेरे को लोग, ये कैसे मिल गए, मैं आया हूँ धरती पर परेशान हो गया हूँ, आज उसने एंटी सर्विस कर दी, आज उसने गलत ज्ञान सुना दिया। बाबा ने कहा, जैसे ही बाबा आते थे, पहले तो एक दिन दो दिन के बाद भी बाबा आते थे, उन दो दिनों में पता नहीं क्या क्या ब्राह्मण कर देते थे, तो कभी देखा कि बाबा आया आज थोड़ा दुखी था? पता तो सब था बाबा को। और ऐसा भी नहीं कि बाबा कहीं छोड़ो इनको, नहीं, बाबा को पता है मेरे बच्चे हैं। बाबा हमसे इंडिफरेंट नहीं होता था, लेकिन समाया बाबा ने, क्योंकि बाबा को ट्रस्ट है कि यही मेरे बच्चे बदलेंगे। तो ये संपूर्णता कि ये शक्ति का खजाना जमा है, वो शक्तियों का सागर है, वो एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं होता कि आखिर कब बदलेंगे। लास्ट मीटिंग की आप वीडियो देखिए, लास्ट मीटिंग मतलब जब दादी गुलजार बॉम्बे चले गए थे, उससे पहले वाली मीटिंग, वो 5 मिनट का जो बाबा का दृश्य है, वो बाबा, वो आप देखेंगे तब यहाँ धक्का लगेगा कि बाबा देख रहा था कि हमने जो बाबा के होते कर लेना चाहिए था अपने में परिवर्तन, तो बाबा को बहुत तरस आ रहा था कि कहीं मेरे बच्चों को परेशानी ना हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी मौज में हैं, क्योंकि बाबा बैठा है ना, तो हम, बाप जब घर में हो तो थोड़ी सोचते हैं कि बाप घर में नहीं होगा। अब उसको देखो तो महसूस होगा कि बाबा क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये संकल्प नहीं रचा। तो ये शक्ति है, लास्ट है गुणों का खजाना, गुणों का अकाउंट, खाता। जैसे भोजन तो कुछ भी किया जा सकता है, पत्ते खा के भी आप जी सकते हैं, पानी पी के भी आप जी सकते हैं, लेकिन देवताओं को 56 प्रकार का भोजन खिलाया जाता है। बाबा को आप बॉइल्ड वेजिटेबल तो नहीं खिलाते ना, बॉइल्ड भी खिलाओ लेकिन बाकी सब भी खिलाया जाता है। तो इसलिए सर्व गुण मेरे अकाउंट में जमा हो, सहयोग की जरूरत तो सहयोग का गुण, संतुष्टता की जरूरत तो संतुष्टता का गुण, प्रेम की जरूरत तो प्रेम का गुण, आनंद की जरूरत तो आनंद का, सर्व गुण का अनुभव। ये नहीं, मैं ना थोड़ी सी गंभीर टाइप की हूँ, मैं ऐसे ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ। अच्छा, गंभीर अच्छी बात है आपके पास ये, लेकिन स्नेह, मिलनसार, क्या ये गुण नहीं है?
बातें करके चाय पी के टाइम वेस्ट करने वाला उसको मिलनसार नहीं कहते, लेकिन एक सेकंड में दूसरों को अपनापन महसूस कराना, बाबा के साथ ऐसा मिलन में जो दूसरा भी बाबा को अनुभव कर, ये मिलनसार हमारी ब्राह्मण परिवार की भाषा में। वो मिलनसार नहीं जो एक मिनट में आपका सारा वो डाटा और आप कहाँ पैदा हुए थे बताओ, आपका ये मोबाइल कार्ड आधार कार्ड ये सब का ये सब इतना जल्दी जल्दी आ जाते क्लोज, वो नहीं। तो सर्वगुण, क्योंकि वो संपूर्णता है, सर्वगुण राइट क्वांटिटी में, नहीं तो कोई एक गुण बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा बाकी गुण कम हो जाएंगे तो भी डिश अच्छी नहीं लगेगी। मीठा ही मीठा या नमक ही नमक या कड़वा ही कड़वा होते हैं ना, कितने प्रकार के रस होते हैं। तो ये गुणों का खजाना वो भी जमा हो। ओम शांति।